सातवें और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी। दांव पर लगी 904 उम्मीदवारों की किस्मत। 11 बजे तक 26.30% मतदान। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में वोटिंग के बीच भड़की भीड़। तालाब में ईवीएम फेंक किया हंगामा। पुलिस ने खदेड़ा मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर रोकने को लेकर मचा था हंगामा। एग्जिट पोल डिबेट से कांग्रेस की किनारा कसने को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का बयान। कहा कांग्रेस हार के कारण एग्जिट पोल पर डिबेट से हटी पीछे। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक आज। चुनाव नतीजों के बाद की रणनीति पर चर्चा संभव। मतदान और रेमल के बचाव कार्य के कारण ममता नहीं होंगी शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर ओपनएआई का बड़ा दावा। एआई से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश। कहा इजरायली कंपनी ने सोशल मीडिया पर चलाया एंटी बीजेपी एजेंडा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डाला वोट। वोटिंग में मतदाताओं के उत्साह के लिए आभार किया व्यक्त। हिमाचल की मंडी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने वोट डालने के बाद किया जीत का दावा। कहा लोगों से मिल रहा बहुत अच्छा रिस्पांस। मुझे पूरा विश्वास वोटों में भी होंगे तब्दील। काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने वोट देने के बाद कहा लोगों के आशीर्वाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं। काराकाट सीट पर पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा अवधेश राय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने पीएम मोदी पर किया जुबानी हमला। कहा बनारस में घोटा गया लोकतंत्र का गला। लोगों को नामांकन करने से रोका गया। ये दिखाता है कि डरी हुई है बीजेपी। गोरखपुर के बासगांव में मतदान के बीच ईवीएम के साथ हुआ खेल। मतदान शुरू होते ही ईवीएम में हुई खराबी। 40 मिनट के इंतजार के बाद दूसरे ईवीएम मशीन से कराया गया मतदान। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। पीएम ध्यान लगाने की बजाय कर रहे हैं मार्केटिंग। मामले में चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल। राहुल गांधी ने मतदाताओं से की मतदान की अपील। बोले 4 जून को सूरज देश में एक नया सवेरा लेकर आएगा। मतदान करने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले आखिरी दौर की वोटिंग के बाद सफाचट होगी बीजेपी। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान। बोली मैंने मणिपुर की बहनों को समर्पित किया अपना वोट। पंजाब में वोटिंग के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी अपील। बोले लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपने मताधिकार का करें इस्तेमाल। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।